वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जो हमने पार्ट फर्स्ट किया था उसमें हमारे 51 क्वेश्चन है और टोटल हमारे 100 MCQs हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 क्वेश्चन आ गया हमारा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस करना है। ठीक है, ये कौन है, कौन सा है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिखाया है आई फाउंड हिम लास्ट नाइट इन अ पार्क। सो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। सो राइट आंसर है हमारा ए पार्ट ही, वॉज फाउंड लास्ट नाइट इन अ पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास द स्किल्ड हंटर या द किंग्स प्राइम मिनिस्टर, द किंग्स डिफीट, द बर्ड विद द गोल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर है हमारा डी पार्ट, द बर्ड विद द गोल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस मेड द हंटर गिफ्ट द बर्ड टू द किंग। ऑप्शन दिए गए हमें रिस्पेक्ट, जॉय, प्राइड, फियर या एवी। सो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें, राइट आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। ठीक है, इनमें से हमें बताना है ट्रू कौन सा है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमें बर्ड्स लाइक सिंदूखा were very common in the area near the mountain. Next is Sindhuka remained caged for the rest of its life. Next is Sindhuka was unaware of the trap laid by the hunter. Yeah, the king when told to not accept the bird did not listen to his prime minister. So हमें क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, राइट ट्रू बताना है अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, सिंधुखा वॉज अनअवेयर ऑफ द ट्रैप लेड बाय द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई वॉज द किंग प्राइम मिनिस्टर रेलुक्टेंट टू एक्सेप्ट द बर्ड। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ही बिलीव दैट द बर्ड वुड डाई इफ केज, या ही न्यू अबाउट द हंटर हैबिट ऑफ लाइंग, या ही बिलीव्ड दैट द बर्ड would bring bad luck to the king, या his source had informed him that the hunter was crazy, या none of these. So right answer क्या है हमारे पास, none of these, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, none of these E part। ठीक है, next question है हमारे पास, how did the hunter find सिंधुखा। So इसका मैं right answer बताऊँ आपको तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी पार्ट इज ही वॉज ऑन द लुक आउट फॉर अ प्रे व्हेन ही चांस्ड अपॉन इट। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ तो ज़रूर इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन आ गया, चूज़ द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो हमें इसमें वर्ड का ग्रुप बनाना है। ठीक है, सो रैदर का क्या आएगा हमारा, ऑप्शन दिए गया हमें रेगुलर या क्वाइट, इंस्टेड, बट या नाउन। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज क्वाइट, बी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, रिलीज, रिलीज का बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास फ्री, वेकेट, वेंट, लेट एक्सपायर या मेक पब्लिक। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज़ ए पार्ट फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, सेम वही क्वेश्चन है रिवरेंस का। ठीक है, रिवरेंस का क्या है राइट आंसर, रिस्पेक्ट. ए पार्ट इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम वही क्वेश्चंस हमारे आए हैं, अपोजिट मीनिंग बताना हमें रेलुटेंट का, ठीक है. सो ऑप्शन हमारे पास ट्रू, क्लेवर, एवरेज, हेजिटेंट या कीन. सो राइट आंसर इज ई पार्ट कीन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 स्किलफुली. स्किलफुली का अपोजिट वर्ड बताना हमें, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं एंग्रीली, हैपहैज़र्डली, हाईली, चीपली या डिफीटली. सो राइट आंसर इज ए पार्ट एंग्रीली, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ गया. वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है. जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है 67 क्वेश्चन. सो इधर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 7. ऑप्शन दिए गए हमें 747.5 या 674.7 या 750.7 या 747.9 या नन ऑफ दीज. सो इसमें से क्या है हमारा नन ऑफ दीज. आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या लाना है. ऑप्शन हमारे पास 17545 या 17355 या 17351 या 17390 या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी पार्ट, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलोपैट्रिक स्पेसिकेशन इज ड्यू टू, जैसे कि ऑप्शन हमें दिए गए हैं म्यूटेशन या जोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन या माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज टू अदर पॉपुलेशन. सो राइट आंसर क्या है हमारे पास, राइट आंसर इज बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ड्रोसफिला रेड आई करेक्टर इज डोमिनेट ओवर वाइट आई करेक्टर व्हेन अ होमोजियस रेड आइड individual is crossed with homogeneous white-eyed individual in the F and F1 generation and crossed 12 individuals are produced. White-eyed individual of these will be. So ये हमें एक करेक्टर दिया है, जैसे कि हमें इसका आंसर हमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12. ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं. सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर है हमारा ए पार्ट इज राइट आंसर है 3, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स लिंक्ड डिजीज़. सो हमें इसमें से बताना है, ये जो हमें दिए हैं ऑप्शन नाइट ब्लाइंडनेस या ग्लैकोमा या एंजाइमा या हेमोफीलिया. सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज डी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है, हेमोफीलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द बायोलॉजिकल टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो राइट आंसर हमारे पास इज ए पार्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास A committee set up by Government of India to make decision regarding the validity of GM यानी कि genetically modified research and safety of introducing GM organism for public service is option दिए गए हमें NBPGR यानी कि National Bureau of Plant Genetic Resource या CBD कन्वेंशनल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज या GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. राइट आंसर इज डी पार्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ एन एलिपस, ठीक है. सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारे पास 2A, ठीक है. सॉल्व कीजिएगा मैथ के क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंटली इक्वेशन। सो ये हमें इक्वेशन दी गई है तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। सो हमें इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज़ बी पार्ट, ठीक है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सम निकालना है इसका भी। सो इसका राइट आंसर भी क्या है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज़ दी डिफरेंशिएटली इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी है जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी वाई एक्सिस या अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी एक्स एक्सिस या अ सेट ऑफ एलिप्स या अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो राइट आंसर इज़ बी पार्ट, अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर है हमारे पास इज़ नो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन अ नंबर इज़ एडिड टू अनदर नंबर द टोटल बिकम्स 160% ऑफ द सेकेंड नंबर, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। 160 डिग्री का करना है हमें, ठीक है। तो हमें इसमें रेशो बतानी है फर्स्ट और सेकेंड नंबर की। सो रेशो हमारी क्या आएगी, 3:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन द नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 बाय एंड द डिनोमिनेटर इज़ आल्सो इंक्रीज्ड बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी इसमें, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए ये हमें कोई एक ग्राफ दिया है। स्टडी दी फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज A, B, C ओवर द ईयर। सो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमें एक ग्राफ दिया है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ शोन स्टडी इंक्रीज इन परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस ईयर ओवर दी गिवन ईयर। सो पूरे साल का हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास 81 का, ये आपको ग्राफ देख के ही करना है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी का है फॉर कंपनी सी दी एक्सपोर्ट इन 2001 वेयर एट 950, हाउ मच वॉज दी एक्सपोर्ट इन 2000। सो इसमें भी राइट आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट 997.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी का क्वेश्चन है फॉर कंपनी सी दी एक्सपोर्ट इन 1999 वेयर एट 1078, how much was the export in 1998। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा 1078। ये पेपर में भी ग्राफ जैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो 84 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन ग्राफ का है फॉर कंपनी ए हाउ मच इज़ द एवरेज ऑफ परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉर द गिवन ईयर्स। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी पार्ट इज़ 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम विच कंपनी हैड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2001। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91 क्वेश्चन आ गया। आगे भी ये क्वेश्चन जो थे वो भी हमारे मतलब ग्राफ के थे तो मैं नहीं लाई वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विद इन व्हाट टाइम शुड बी राइट टू इन्फॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इन नॉर्मल केस। सो नॉर्मल केस में कितना वक्त लगता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। सो राइट आंसर है हमारा 3 days, कितना टाइम लगता है 3 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन Within what time should be information be provided in case of matter of life and death? मतलब life और death के बीच में कि हमें किस समय के भीतर क्या करना चाहिए, information देनी चाहिए life और death के बीच में, ठीक है इसके मामले में। So right answer is वन और, ठीक है, ए पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इंफॉर्मेशन इज डिनाइड और नॉट प्रोवाइडेड व्हाट कैन यू डू। इंफॉर्मेशन के तहत अगर हमें कोई भी जैसे इनकार करना है या प्रोवाइड करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या है, कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट डू एनी थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सो फर्स्ट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का कौन है? सो राइट आंसर इज़ डी पार्ट, S.H. श्री वजहात हबीबुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज़ द ऑनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ थ्रू द अपीलेंट प्रोसेस अंडर RTI एक्ट 2005। RTI की फुल फॉर्म क्या आ गई? राइट टू इंफॉर्मेशन। दोबारा रिपीट करूँगी, RTI की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज़ PIO, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वट इज़ दी फ़ी फॉर फिटिंग एंड अपील। सो कितनी फ़ी रहती है फिटिंग और अपील के लिए? सो इसका राइट आंसर है ए नो फीस, इसमें कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन वट टाइम दी सेकेंड अपील शुड बी फिल्ड। तो सेकेंड टाइम जब कोई अपील करता है तो कितने दिन लगते हैं? लगते हैं हमारे कितने इज़ 60 डेज़, कितने? 60 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर आर राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फीस। सो कैसे वो फीस लेते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं मोड ऑफ द पेमेंट के टाइम? सो राइट आंसर इज़ कैश, ठीक है, सी पार्ट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनिमल एग्जिबिटिंग asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry respectively और। सो इसमें हमें ये बताना है, जैसे कि मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ, राइट आंसर इज़ स्पॉन्ज, स्टारफिश और क्रैब। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग। सो वो कहाँ पे पाया जाता है ह्यूमन बींग के अंदर प्लेसेंटा? सो राइट आंसर इज़ डी पार्ट, हेमोकोरियल एंड मेटाडिस्कॉर्डिकल, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।